हजारीबाग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ संपन्न किया हल्ला बोल कार्यक्रम। हजारीबाग लगातार प्रदर्शन के लिए जाना जाता रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ यहां अनेक क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। यहां कांग्रेसी एक बार फिर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए पत्रकारों से बात करते हुए हजारीबाग के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक अलग अलग जगह पर कांग्रेस यह कार्यक्रम चलाएगी एवं 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में बृहद कार्यक्रम होगा, जिसमें मोदी सरकार को घेरने का काम कांग्रेस करेगी। जिस तरह से लगातार कांग्रेस एवं अन्य पार्टी मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है, मोदी इसके खिलाफ काम करती रही है। ईडी और सीबीआई से लोगों को डराने का काम कर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस के हाथ में फिर से सत्ता होगा और कांग्रेस ही देश को चलाने में सक्षम हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरे भारत वर्ष में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम महंगाई पर चल रहा है। आज जो हम लोग किसी हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, उसी का एक अंश है। संपूर्ण भारत वर्ष में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार, GST के संबंधित है, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से जो हम बना है इस पार्टी के द्वारा और प्रदेश के माध्यम से मिला है, उसी के माध्यम के द्वारा तो आप लोगों के बीच रखेंगे। सबसे पहले महंगाई पर चर्चा दिया है। 2014 से लेकर 2022 तक जब हमारी सरकार 2014 में थी, उस समय हमारी सरकार के द्वारा जो अभी सरकार है, ज़्यादा था कि बहुत महंगाई हो चुका है, ये महंगाई से आदमी मर रहे हैं। आज वो स्थिति आ गई है 2022 में, जो का दाम था पेट्रोल का मान लीजिए 71 रुपया था, आज 110 रुपया तक पहुंच गया है। इसी तरह डीजल का है, इसी तरह आप रसोई गैस का है। परसेंटेज लीजिएगा तो सभी में परसेंटेज इतना बढ़ा है, 40%, 75%, 122%, 81% और 71% दूध में बढ़ा है। जो दूध हमारे डीजल में 35 रुपया बिकता था, अभी 60 रुपया बिक रहा है।